हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनिव व्लॉग। भाई क्या हाल है आप सभी के? आई होप सो आप अपने अपने घर पर ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। एंड आज है 15th ऑफ क्या चल रहा है मार्च ना, हाँ 15th ऑफ मार्च। एंड यप, मम्मी का लास्ट डे घर पे, कल से घर खाली हो जाएगा, घर से सुना हो जाएगा। एंड मैं शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, तो शॉर्ट्स भी जाके देखो, शॉर्ट्स वाले फीड में जाके अभी तक के अगर शॉर्ट आया होगा तो अच्छी बात है, वरना नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ऐसा घंटा होगा उसको दबाओ। एंड भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बस कुछ कुछ सब्सक्राइबर्स बाकी है 800 होने को। एंड आई नो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, आपका प्यार एंड सपोर्ट बहुत रहता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड कमेंट भी करते जाओ। एंड नेक्स्ट मंथ के 14th अप्रैल के पहले हमने टारगेट लगाया कि हमारे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और कुछ नहीं, क्योंकि मैं चाहता मेरे बर्थडे के पहले मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो। मैंने क्या देख लिया, मेरे बेड पे चिपकली, मैं इधर बैठा था, लिटरली वो इधर से दिखी मेरे को, इधर से फक भाई मेरे बेड पे चिपकली अभी इधर गई। भाई मेरे को चिपकली से बहुत डर लगता, कसम से बता रहा। अब भाई मेरे बेडरूम में चिपकली क्या कर रही, मेरे को बिल्कुल नहीं पता चिपकली। एक तो एक सेकंड, मम्मी को देख, मम्मी क्या कर रही है, मेरे बेड पे चिपकली है, बेडरूम में भी मेरे पाँव पे आई थी। क्या बात कर रहे, तेरे कपड़ों को तूने फेंका था ना बाथरूम में, हां तो वहां पे मेरे, मैं कपड़े उठाने गई तेरे, तो मेरे पांव पे आए। भाई मैं बैठा हूं अपने रूम में, हां बेड पे अच्छे से मूवी देख रहा, हां इसी बाजू से इसी बेड के ऊपर से जा रही, मैं पूरा डर गया। डैडी होंगी, हां डैडी होंगी, कुछ भी बात करती तो वो चिपकली भगा दे यार, स्पीड बढ़ाना, मैं कसम से मार दूंगा डंडे ढूंढने से। पापा के जैसे नहीं करना, पापा मारते थे वैसे, तो मेरे को नहीं मारना, मेरे को नहीं पसंद, मैं मार दूंगा उसको, हटा वहां से, तो हटा तो दे पहले, स्पीड बढ़ा, होने का है क्या, होने का आके खोल लिया और बोलते मेडिटेशन होने का। एटीएम एटीएम रहने देना, भगवान के पास है ना, कहाँ जा रहा, क्या करूँ, पंखे का पावर बढ़ो, पंखे का नहीं एसी का पावर बढ़ो, तो तू एक बार वो चिपकली भगा दे यार, ले बढ़ा दिया एसी का पावर, मम्मी का अलग पोंगा चालू रहता। भाई मेरे को बहुत नफरत है चिपकली से, मतलब जब देखता ना उसका मुंह, एक तो उसकी गंदी सी चेहरा और ऐसी ऐसी चिपकली, अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया तो चिपकली रूम में आने लग गई, उनको ठंडा एटमोसफियर अच्छी रहता ना, मेरे रूम में मत गलती से आना, क्योंकि मेरे दरवाजे के पीछे रखा रहता कुछ रखा रहता है जिससे मैं मार दूंगा, वैसे एनिमल अब्यूज में आ जाएंगी ये चीज, बट मेरे को नहीं पसंद भाई चिपकली चुपकली। भाई मैं हॉल में आके बैठता हूँ, मम्मी यहाँ पे अपना अलग कर, चल ले यार, मेरे बेड पे चिपकली है, इधर मेरा मंगल नहीं हो रहा, वहां पे वो चिपकली आके बैठी है। सुनने पगलापन मत कर, विपश्यना कोई ये नहीं है, मैं मैत्री दे रही ना जानवर, वो एनिमल को भी एनिमल को गाइस मैत्री कौन था एनिमल इसकी मैत्री सुन रहा मैत्री दे रही है बोलते एनिमल को, इधर एनिमल मेरे बेड पे आके बैठा है, ये इधर मैत्री देते रहती, वो उधर मेरे साथ खेलते रहती चिपकली लपन चोप, तू चुप रहे, कुछ भी सेंस लगाती, कोई घर का आदमी कभी बोलते दादी है, कभी बोलते डैडी है, कभी बोलते पप्पा का पप्पा है, मेरे घर पे सांप आया था, क्या बोलती तेरी दादी है नहीं नहीं, अब वो सांप आया, अब मम्मी बोलती तेरी दादी है, अब मैं उसके पास जाके बैठता आराम से, यहाँ दादी का ऐसा बा, फिर वो देंगी पट से 100 फिर बच्चे तो बच्चे, वरना दादी के रास्ते कुछ भी सेंसलेस चीजें बोलते गाइस। एंड मम्मी आज आखिरी दिन है मम्मी का, मम्मी कल चली जाएंगे यार मुंबई, फिर बोर होएंगे, फिर किसको मैत्री देंगी
मुंबई के एनिमल को सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद है तुम पे, सुखी रहो। हमारा सुख छीन रख कर तुम्हारी छिपकली कभी वो बाथरूम में सब गेंडूर जैसा कुछ तो भी रहता, लाल कलर का वो ऐसा तैरता रहता वो बारिश के मौसम में। अरे यार फिर चालू हो गई वो, ये गोम 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 आती का भी पूछा था, ये भी बाथरूम में गोम है। वही तो मैं कान में हेडफोन लगा के पता क्यों सोता, क्योंकि वो कीड़ा कान में जाता ना तो पूरा कान का ऑपरेशन होता, तो मेरे को बड़ा डर लगता भाई, इसलिए मेरे को एनिमल पसंद ही नहीं। कितने बजे रहे, मतलब एनिमल में सिर्फ डॉग कैट तक ठीक लगता है, सांप सूप नहीं पालते हम, सांप ऑलरेडी बहुत रिश्तेदार पाल मम्मी के रिश्तेदार है ना मम्मी, अटैची वगैरह निकाल देना थोड़ा, मेरे को थोड़ी जाने तुमको जाने, तू क्या निकाल, वो पहले छिपकली तो निकालो मेरे रूम से फिर मैं तुम्हारे लिए अटैची निकालू। अटैची यानी गाइस वो रहता, क्या बोलते हैं अटैची को इंग्लिश में, क्या बोलते हैं अटैची को इंग्लिश में, क्या बोलते हैं सूटकेस, सूटकेस तो अलग हो गया, सूटकेस में तो तुम पैसे रखते। चलो परसों चिपकली भगा दो रूम। क्या तू आदमी हो है कि कौन है रे मुझे बोलता है चिपकली अरे तो दो, आदमी जैसे आदमी तुम हो। अरे तो चिपकली से डर लगता है मेरे को, काहे का डर रे, वो भी तो छोटा सा है, वो तो सांप से कितना डर रहा है, उसका उसका तो चेहरा छी ऐसा ऐसा पूरा सीधी ऊपर से थी छोटी सी पूछ, पूरी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती मेरे मेरे को मेरे एक्स से बड़ा डर लगता है, दिलों के साथ फिर से ना खेल ले हम बेचारे नाजुक से प्राणी, एकदम कोमल दिल के, मतलब सॉफ्ट दिल के। उतना बड़ा अटैची हटाना वहां से, मैं बोल सर वो पहले चिपकली हटा। अरे तू चप्पल पहनने देना, पहनना है लो ना वहां पे चिपकली नहीं भगा दे रही, एक्स गर्लफ्रेंड आ रखी मेरे रूम में, रूम है तो चिपकली कहां से जाएंगी, इधर है इसका रूम है वो चिपकली, ये इधर ऐसे मैं यहां पे बैठा था वो यहां पे ऐसे बैठ के ऊपर से ऐसे चल के उधर गई, क्या मेरे को देखने तुम ही देखो उसको, कौन भाई आएंगे तो ये खाली करके देना, वो लगा एक बड़ा, तुम चिपकली देखो ना यार, उस साइड देखो, उस साइड गद्दी के उधर। अरे तो खिड़की विड़की खोलेगा तो जाएंगे, दरवाजा खोलेगा तो, अरे खिड़की खोलूंगा और आ गई तो कैसे आएंगे, खिड़की से निकल जाएंगे वो बाहर। मम्मी देखो कहां पे चढ़ी मेरे बेड के ऊपर, उस साइड देखो, उस साइड चिपकली, निकल दी मेरे को नहीं पसंद यार मेरे बेडरूम में रहे, तेरे बेडरूम में तो हो सकता पहले जमाने में उसका बेडरूम हो। अबे चल ना कुछ भी बात कर रही, वहाँ पे पहले जमाने में ये फ्लैट बना था क्या यार अबे ताजबाग जा रहा हूँ मैं, बुधवार को जाना चाहिए, थर्सडे तो है आज, आज थर्सडे, किसने बताया तेरे को आज फ्राइडे, फ्राइडे आज, शिट अब जान दो ना मैं भूल गया, थर्सडे फ्राइडे का डिफरेंस, आज जा रहा हूँ मैं, एंड मैं थोड़े कपड़े खरीदने का सोच रहा, मैं खरीद लू क्या, बट यार नेक्स्ट मंथ भी खरीदना ही है, अप्रैल आ रहा है, मम्मी कपड़े खरीद लू थोड़े, जिम जुम जाता हूँ तो भी नाइट ऐसा वो एटीएम अच्छे से ना, बरमुंडा और खरीदू क्या, थोड़ा देर सोने दे, अरे परमिशन तो दे दे, मैं कोई परमिशन नहीं देती तुम्हारा, तुम देख लो गाइस जा रहा मैं, बाय बाय अरे छोड़ ना कैमरा, छोड़ तो कैमरा तो छोड़ गाइस, सक्षम बन दिख गया हाँ पहन ले वाओ बिग बूब्स नहीं बिग बूब्स देख रहे क्या तू, वाओ भाई इसके तो मेरे एक्स जाने दो, कुछ बोला क्या, मैंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला मैं नहीं बोला, ठीक है नहीं बोला भाई, मानना पड़ेगा यार भाई, तू जिम जा क्योंकि तेरे अभी ने चेस्ट से बूब्स बन रहे, कुछ दिन में तेरे में और लड़की में फर्क नहीं दिखेंगे, चले अभी चले, चलो वाओ बहुत सॉफ्ट है, चलो रे गाइस बहुत सॉफ्ट है गाइस, चलो शॉर्ट्स भी बनाने, चलो चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो तब तक कि आप लोग देख रहे हो गाइस, दो दो मोबाइल रखते, चल चश्मा निकाल, अब चश्मा मेरा है,
गाड़ी मैं चला रहा हूँ, गाड़ी कौन चलाएगा? क्यों भाई का लेग था ना, भाई का लेग था ना, चल मैं चलाता, अगर मैं चलूंगा तो कैप पहनूंगा। मैं तो पीछे बैठूंगा, मेरे को कैप दे सक्षम। मैं तो पीछे बैठूंगा। थैंक्स मैन। गाइस आज सक्षम ने दाढ़ी काटा, दाढ़ी नहीं काटा, एक 5 फुट है सर पर रख दूंगा आज तेरे। चैलेंज कर ले कैप फेंक, तेरी पैंट दी अच्छे से फेंकना ऊपर फेंको। अबे अबे यार, गाइस चैलेंज अनसक्सेसफुली, ले अपनी कैप पकड़। अबे वो भी नहीं पकड़ भाई, चल भाई जल्दी चल यार, अंधेरा हो जाएगा। सर पे रख दूंगा आंट तेरे। ऑन कैमरा, ऑन कैमरा कैच पकड़ा गाइस तुम्हारे। हमको भी तो देखते। हेलो बच्चे, आंट रख दूंगा सर पे। कुछ खा रहे क्या वहां से? गाइस हमारी स्कूल बहुत साल हो गए इसको नहीं देखे, अंदर से कहा से सीधा ले, लेफ्ट ले फिर राइट ले, समझा? बस चलते जा, निकल लिए गाइस छोटा ताजबाग के लिए। अभी हम लोग बेजन भागे, अब यहाँ से ताजबाग के लिए बहुत लंबा रास्ता है, देखते हैं यहाँ से भी जाना देखे चले। पहुँचेंगे पहुँचने के बाद मिलते हैं, तो थाने में मिलते हैं। हम लोग पहुँच चुके छोटा ताजबाग, चलना भाई। अभी इधर से आज मौसम देखो कितना प्यारा दिख रहा, बाकी हम लोग पहुंच गए, अभी अंदर से आते देन मिलते। फाइनली अंदर से आ गए हम, अंदर शूट नहीं कर सकते, ऐसा सही नहीं लगता। क्या हो गया? कुछ नहीं ना, चले ऐसा भी, चलो यहाँ से निकलते हैं। हम लोग मौसी के दुकान पहुंचे, माँ अंडर गारमेंट। मौसी के दुकान पहुंच गए और सक्षम चिप्स लाने गया था। बे तू चिप्स लाने गया था ना, सब छोड़ो, कैमरा फ्रेम में नहीं के पीछे साइड देखो। आई ला बबल गम फ्लेवर, अभी ये तो बबल गम खा रहा है। मौसी की दुकान उसने और निकाली भाई, समझा गाड़ी क्या हुआ। मौसी की दुकान के सामने हम लोग, माँ अंडर गारमेंट नाम पर ना, लेडीज जेंट्स चाइल्ड सब की यहाँ पे चड्डी मिल जाएंगी। आपको भी आना है, आप लोग आओ रामेश्वरी रोड कुकड़े लेआउट नागपुर, मेरा नाम लोगे तो फ्री में मिल जाएंगी चड्डी बर चड्डी और कुछ नहीं। तो सांड आवाज है चल रहा, सक्षम आवाज निकल रहा सांड की। कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे बहुत लोग हमसे बज रहे थे, तो हम सीधा अभी इनके घर पे पहुंच गए। हाँ बहुत स्टोरीज डाल रहे, इंटरनेट गैंगस्टर्स बन रहे आजकल ना लोग, क्या क्या स्टोरी लगा रहे, उधारी की गाड़ी ऐसा ना वैसा। एक बार देख लेते उधारी की गाड़ी कितनी दिखती और कितनी नहीं, मिल ही लेते आज, अब मिल लेते, अब देखते तो क्या घर तक पहुंच गए हम। बहुत ज्यादा हो गया, कैसे उनके पेपर चल रहे थे ना, 10वीं के बच्चे अभी तो पढ़ाई चल रही थी। अभी उसके घर पहुँच रहे, देखते क्या कर रहे थे। अरे बाहर बाहर वॉल पे बात कर रहे, ऋतिक रोशन बुला रहा क्या क्या, देखो ये सब हमारी प्लानिंग थे। आप थंबनेल देख के आओगे, बहुत लोगों को बुरा लग गया होगा कि रिजुल मेरे साथ कैसा मिला है। अब वो बहुत लंबी कहानी है, अब वो अगर मैं बताऊंगा तो कंट्रोवर्सी उठ जाएंगी, लेकिन पहले बता दूं ये मेरा अच्छा खासा दुश्मन था, अभी दोस्त है। तो आपको इतना बताऊंगा कि दुश्मनी में कुछ नहीं रखी, हमने सब सॉर्ट कर लिया, हमारा जो भी था दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, दुश्मनी से निकलो। और सबसे मेन चीज, किसी लड़की के पीछे दुश्मनी मत करो। करेक्ट, जैसे भाई ने मेरे साथ इसका कोई सीन नहीं भाई, लेकिन मेन चीज बता था, किसी लड़की के चक्कर में दोस्ती खराब मत करो। हम हमारा जो भी था हमने क्लियर किए, तो आपको भी यही व्यू दूंगा कि अभी के जनरेशन में सबसे ज्यादा लड़की के कारण दोस्ती टूट रही, तो ये सारी चीजों में मत पड़ो, भाईचारा बनाए रखो, भाईचारा बनाओ, कुछ झगड़े वगड़े में कुछ रखा वाका नहीं है, सब साथ में रहेंगे, सब अच्छे से उठो। अब बहुत लोग मतलब मेरे फैमिली की जानती नहीं होंगी, ये मेरा दोस्त था पहले, फिर दुश्मन फिर वापस से दोस्ती हो गई, ठीक है। तो ये तो हमारी प्लानिंग थी सब, बाकी अब अभी रोज ब्लॉग्स आएंगे भाई के साथ, एंड भाई कल MP जा रहा, तो अभी अब फिलहाल के लिए कुछ दिन नहीं आएंगे, बट बाद में रेगुलर हो जाएंगे हम लोग। टेंथ तो अभी तो भाई का 10th हो गया,
भाई के रिजल्ट गिनाने वाले, फिर अच्छे से बजने वाले। इसने बहुत मारा मेरे को शॉर्ट्स पे, शॉर्ट्स जाके देख लेना, शॉर्ट्स भी आएगा उसमें। इसने साले ने सिर्फ एक्टिंग के चक्कर में मेरे को पीटा भी तो जोर जोर भाई, इतना चलता भाई, बस रियल में मत बजो, इससे ज्यादा मार पूरा बहुत ये साला कुछ भी करता है। बाकी हमारा हमारे कैमरे के पीछे तो मेन सदस्य ये मारो 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 मारो। फिलहाल तो हम लोग निकल रहे हैं, तू कर रहा था ना, मना रहा था। मैं हो गया, अभी व्लॉग शूट हो गया। आप लोग ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो गाइस। क्या डालेगा, कुछ भी बातें कर रहे हैं, अपमान तलक बातें कर रहे हैं भाई। चल यार भाई, मेरे घर का टाइम हो गया, शूट के चक्कर में गाइस बहुत लेट हो गया। और आज इसने इतना मेरे पेट पे मारा, इसने साले ने वीडियो के बहाने नहीं किया, बहुत पेट पे दिया मेरे। तू मेरे को अलग से स्टेडियम में मिलना, हमारा WWE वो है फाइट वन वर्सेस। मैं बीच में बैठ रहा, चल गाइस एक सेकंड मेरे को घुसन दो। बाकी बहुत लोग ऑफेंड हो चुके होंगे रिजुल को मेरे ब्लॉग में देख के, तो गाइस सॉरी यार। जल के खाते, राइट सॉरी यार, मैं लेफ्ट राइट लेफ्ट कर रहे भाई, ब्लॉग तो बनान दे। तो जो लोग भी ऑफेंड हो गए होंगे रिजुल को मेरे ब्लॉग में देख के, रियली सॉरी गाइस, मेरे को भी आप लोग के लिए बुरा लग रहा। एंड तो गाड़ी ड्राई हो गई यार, ये देखो यार, ये गाड़ी बहुत पेट्रोल पीने लगी। अभी दो दिन पहले 200 का पेट्रोल भराया था। इसकी टांग अभी नूर को बुलाओ, कमाल चौक में फंसाओ, देखते गाइस। देखो ऐसे भाई मिले जो गाड़ी ड्राइव होने पे टाइम पे आ जाए, कितने जल्दी है भाई। अभी गाड़ी ड्राइव, मेरी गाड़ी तू चला ले, वो आंटी का ठेला पलटा दे रहा था मैं, वैसे सीधा था तो टेढ़ा कर दिया। चलो भाई ऐसे भाई मिले, ऐसे 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 चाहिए जो टाइम में काम आए, याद काम में आ जाए, ठीक है। चलो रुक जाओ, अभी बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। इफ तुमको सुनना है, अगर कुछ अच्छा चाहते हो लाइफ में, मेरे जनरेशन वालों को बता रहा, तो रुक जाओ ये चीज़ सुन के जाना। कोई ये नहीं है कि सुनना ही सुनना है, अगर आपको वीडियो ख़त्म करनी है तो आप जा सकते हो, लेकिन जो चाहते कि मैं उनके लिए अच्छी चीज़ बताऊँ तो आप रुक सकते हो, थोड़ी लंबी बात रहेंगी। बट या अभी फ़िलहाल जस्ट घर आया जिम से, दूध ले लियो, प्रोटीन लेता हूँ। तो या अब ये चीज़ साइड में रखते हैं, एक सेकेंड है, दूध को बंद कर दूँ। एक ज्ञान की बात, मतलब मोटिवेशन टाइप दे देता है, ठीक है। अगर आपको मोटिवेशन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ जा। सो, बहुत अभी के टाइम पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही, हर लड़के को एक लड़की चाहिए लाइफ में और हर लड़की को एक लड़का चाहिए लाइफ में, जो एक टाइप से ठीक है ओके, बट वो चीज़ गलत डायरेक्शन में जा रही है ओके। एंड जिनको जो चाहिए रहता वो उनके लाइफ में वो नहीं आ रहा, गलत इंसान आ रहा है। तो पहली चीज़, सबसे मेन चीज़, मैं लड़कियों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, देखो तुम लोग बुरा मत मानना, लेकिन ये बात, कोई भी लड़की बुरा मत मानना है, दिल पे मत लेना कि सम्यक ने ऐसा बोल दिया। बट मैं तुमको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो तुम्हारे पीछे लड़के पढ़ते हैं, तुमको मैसेज करते हाय सामने से, एंड जो तुमको मतलब बहुत ज़्यादा ये करते कि यार तुम अपना केयर करो, अपना ध्यान रखो, जिनके कारण तुम पिघल जाते वो लड़कों के, कि ये लड़का बहुत केयरिंग है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो लड़का सिर्फ तुम्हारी केयर कर रहा है, ऐसे वो कितने लड़कियों की केयर कर रहा है। एंड जो बंदा तुमको लगता है कि इसमें थोड़ा एटीट्यूड है, ये मेरे को सामने से मैसेज नहीं करेगा एंड ऑल, तो तुम उसको भाव नहीं दोगे, तुम वो बंदे को भाव दोगे जो तुम्हारे पीछे ऐसा ये सब करेगा कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम बीमार हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते, ये सब। ये जो लड़के रहते, मैं इनकी सच बताता, सच्चाई बताता। और लड़कियां तुम बुरा मत मानना, ऐसे लड़के जो बेरोज़गार रहते, जिनको काम धंधा नहीं रहता, जो फुकट रहते, सिंपल सी बातें, सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में बताऊँगा, छपरी, जिनको काम धंधा नहीं रहता, जो 10 लड़कियों के पीछे पड़े रहते कि भाई एक माल जमा दे, उनके लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे टाइप के ये लड़के रहते हैं जिनको काम धंधे नहीं रहते, एंड ये लड़कियों को मैसेज करते हैं, एंड लड़कियाँ इतनी चूतिया रहती है कि उनको वो बंदा पसंद नहीं आएगा जिसमें थोड़ा एटीट्यूड नहीं बोल सकते, जो बंदा सामने से कभी मैसेज नहीं करेगा,
जो बंदा नॉर्मल एंड सिंपल है, लड़कियों को वो बंदे पसंद नहीं आएंगे। लड़कियों को कैसे बंदे पसंद आएंगे, ऐसे जो भाई मेरी केयर करता हो, मेरे लिए वो इतना सोच रहा, मेरे लिए ये कर रहा वो कर रहा, ये रियलिटी नहीं रहती लड़कों की कभी भी। लड़कियों को ये चीज़ बता दूँ एंड लड़कों को भी एक चीज़ बताऊँगा, तुम भाई अपने करियर पे फोकस करो, कसम से बता रहा सच में। अगर भाई चलो लड़की से अगर तुम बात करो, दोस्ती रखो, मैं रिलेशनशिप वालों को बता रहा, ये जो अभी के टाइम के रिलेशन, फेक रिलेशनशिप, फेक प्यार, अभी के ज़माने में प्यार मिट चुका है। जेन्युइनली बताता, प्यार नाम की चीज़ कुछ नहीं बची अभी के लाइफ, अभी के टाइम पे, अभी के टाइम पे लड़कों को रियल रियल बात है, लड़कों को ऑलमोस्ट 80% लड़कों को लड़की से सिर्फ न्यूड्स चाहिए रहेंगे, अवश्य भर रहे रहेंगे। एंड रियल बात है भाई, कोई बोलना मत कि सब मैं इतना ज़्यादा बोल रहा है ब्लॉग में, बट ये रियलिटी है कि अभी के जनरेशन के लड़कों को, एक लड़की को यूज़ करेंगे, उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, पहले उसको इमोशनली अटैचमेंट देंगे अपने तरफ से, देन जब वो लड़की अटैच हो जाएंगी तो उसके साथ फिजिकली अटैच होंगे या फिर उसको ऑनलाइन न्यूड्स मांगेंगे, उसको जो भी चीज़ें समझ आप समझ रहे ऑनलाइन चीज़ें मांगेंगे, देन उसके बाद एक टाइम के बाद जब झगड़ा हो जाएगा और छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। एंड लड़कियाँ सबसे बड़ी क्या गलती करती, नहीं यार ये मेरी केयर करता है, ये मेरे बारे में सोचते, इसको फोटो भेज भी दूँ या इससे फिजिकली अटैच हूँ, मेरे को उस पर इतना भरोसा है, मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है लड़कियों। एंड तुम, कोई लड़का तुमको मैसेज कर रहा है, यार ये मेरी कितनी केयर कर रहा है, वो केयर नहीं कर रहा, उसको तुम्हारी ज़रूरत है कि भाई मेरे को कोई लड़की होना जिसके साथ मैं, समझ रहे हो ना, ये झूठ नहीं है, ये सच है, ये रियलिटी है। तो आप लोग ऐसे फेक काइंड ऑफ लव में, अभी के टाइम पे लव नहीं बचा भाई, लव कब था हमारे मम्मी पापा के ज़माने में, एक लड़की एक ही लड़के के पीछे ध्यान देती थी, उसको चिट्ठी लिखती थी, वो वहाँ से एक एक साल बाद चिट्ठी आती थी, उसको प्यार बोलते थे, इधर 3 महीने बातचीत बंद कर देना तो लड़की किसी और के प्यार में पड़ जाती और किसी और के साथ रिलेशनशिप में आती। ये अभी के टाइम की रियलिटी है सच में, मैंने आजमा चुका हूँ। मैं एक लड़की के साथ अटैचमेंट में था 1.5 साल से, मेरा झगड़ा हुआ, झगड़ा नॉर्मल सी बात है, हर किसी के बीच में होता है। 3 महीने मैंने बात नहीं किया, 3 महीने उसने मेरे को मनाई, 3 महीने बाद वो किसी और की हो गई, ठीक है। तो ये रियलिटी है, प्यार प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं बची अभी के टाइम पे, प्यार बहुत रेयरली मिलता, जो भी मिलता बहुत लक्की 1% या 10% लोग रहते। एंड अभी के टाइम पे तो प्यार को सब मिट चुका है, अभी के टाइम पे सिर्फ न्यूड्स और क्या ही बोलूँ भाई, जनरेशन पूरी छूतिया बन चुकी। मैं तो सोचता भाई काश मैं मेरे मम्मी पापा के टाइम पे पैदा हो जाता, यार उसको बोलते भाई जो एक एक साल अपने अपने जो भी लव्ड वन है उसकी चिट्ठी आने का वेट करते, 3 महीने बात मत करो, लड़की किसी और की हो जाएगी क्योंकि उसके पीछे कोई और पड़ जाएगा तब तक। एंड लड़का कैसा देखेगा, भाई ये लड़की के पीछे कोई नहीं है, चलो इसको, फिर उससे हाय बोलेगा, फिर कैसी हो, फिर वो बोलेंगे खाना नहीं खाई, वो बोलेगा खाना खा लो ना, ये कोई टाइम है खाना खाने का, इतना लेट हो चुका, इतना ये सब हम नहीं करते भाई, हमारे पे इतना वेल्ले टाइम नहीं है। अगर मैं भाई सिंगल मर जाऊँगा सच बता रहा, लेकिन ये फालतू हरकतें नहीं करूँगा, अरे खाना खा लो यार बेबी कैसे कर रहे, ये सारी चीज़ के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। एंड हमको इतना भरोसा है कि अगर हमारे पे लड़की नहीं भी आती है तो एक चीज़ ऐसी है जिससे हम, अगर मेरे को क्या, मैंने तो सोच रखी भाई मैंने कोई शादी शुदी करनी है नहीं अभी के लिए, अभी के माइंड सेट से बता रहा मैं, फ्यूचर का नहीं बता सकते, अगर कोई मेरे को अच्छी मिल गई तो मैं डेफिनेटली क्यों नहीं करूँगा भाई, अगर कोई रियल मिल रही। मेरे को तो अभी से सोच के टेंशन आता कि जो हमारी मम्मी लोग थी, हमारी मम्मी, मेरे जितने भी बड़े लोग हैं, ये लोग रियल एंड लॉयल है, ठीक है। जो अभी करेंटली शादी हो रही उन लोगों में डिवोर्स हो रहा, तो हमारी बीवी कितने लड़कों के साथ, समझ रहे हो ना, जो फ्यूचर में आएंगी वो हमको नहीं पता रहेगा क्योंकि हमारी छूतिया जनरेशन है सिंपल एंड सोवर भाषा में। तो प्यार पूर अभी के टाइम पे सब धोखा है, ये सारी चीज़ों में मत पड़ो। एंड लड़के लोग तुम लोग भी समझो, वो लड़की सिर्फ तुमसे अकेले से बात नहीं करती, वो तुम्हारे जैसे 10 रखे रहते उसके पास। मैं बता तो लड़कियों में एटीट्यूड क्यों रहता, क्योंकि लड़कों पे कभी लड़कियों के मैसेज नहीं आ रखे रहेंगे, मेरे को तो मेरे सब्सक्राइबर्स के आते यार, उनका कुछ नहीं, लड़कों को कभी भी लड़कियों के मैसेज नहीं आते, लड़का सामने से जाता है। एंड लड़कियों के पास ऐसे हजारों लड़के रहते सामने से मैसेज करने वाले, इसलिए लड़कियों में एटीट्यूड रहता कि भाई मेरे पीछे इतने लड़के हैं मैं क्यों सामने से मैसेज करूं, अगर वो नहीं तो कोई और सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये लड़कियों का रहता, तो लड़कों थोड़ा होश में आओ, अपना अल्फा मेल सिग्मा थोड़ा रियल बनो,
सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने से कोई सिग्मा नहीं बन जाता। और कुछ लड़कियों को मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि भगवान की स्टोरी लगाने से तुम भगवान भक्त नहीं हो जाते, रियल लाइफ में भगवान की पूजा करना पड़ता है। ठीक है, तुम हर भगवान के त्यौहार में हर स्टोरी लगा दोगे, कभी मंदिर गए हो? जो आजकल की लड़कियाँ खुद को भगवान भक्त बताते, लड़के जो खुद को बहुत ये बोलते कि भाई जय, जो भी नारे लगाते, जितने भी नारे लगाते, भाई ऑनलाइन स्टोरी लगाने से कोई भगवान का भक्त नहीं होता। कभी रियल में मंदिर जाओ, कभी दिल से भगवान को मानो। सोशल मीडिया के थ्रू ये वो समझ रहे हो ना, जिनको मैं पोक करना चाह रहा हूँ अच्छे से समझ गए होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू कोई भगवान भक्त नहीं बन जाता। और किसी धर्म के कारण तुम ये नहीं हो जाओगे कि भाई हमारा धर्म सबसे ऊपर, कोई भगवान ने कभी अपने आप को ऊपर नहीं माना। भगवान भी जो रहते हैं ना, वो भगवान कभी एकमेक में झगड़ते नहीं है, तुम लोग झगड़ते हो। तो ये जो तुमने कास्टिज्म में फैला रखे, ये वो कास्ट का है, ये वो कास्ट के, तो बंद कर दो, रियलिटी में जियो। अगर रियलिटी में, अगर तुम जो ट्यूशन में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे हर एक कास्ट का बंदा रहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ना छोड़ दोगे। ऐसे से तो तुम पढ़ना भी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे ट्यूशन में सिर्फ तुम्हारे कास्ट के बंदे नहीं आते, अलग कास्ट के भी आते। तो तुम तो बोलना भाई हम तो हमारे धर्म के लिए कट्टर हैं, हम ट्यूशन जाना बंद कर देंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। तो थोड़ा रियल लाइफ में जियो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इनसे थोड़ा बाहर आके रियलिटी में जियो, फालतू चीज़ों में मत जियो। ठीक है, तो वही मैं जो ये प्रेम कथा चल रही है अभी के टाइम पे, फेक लव, तो ये लव के बारे में बोलना चाहता था। एंड बहुत लड़कियों को लगता है कि मेरे में ईगो है, मेरे में एटीट्यूड है, तो भाई ईगो नहीं है, मेरे में एटीट्यूड तो नहीं है ना, मैंने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट किया, मैं बस बता रहा हूँ जो रियलिटी है तो है। लड़कियाँ तुम भी सतर्क रहो, लड़के प्यार के नाम पे तुमको न्यूज़ मांगेंगे, एंड लड़कों तुम भी सतर्क रहो कि वो लड़की सी वो तुमसे अकेले से बात नहीं करती, उसके पास तुम्हारे जैसे हजार है। ठीक है, एंड जब तुम वो जब तुमको छोड़ के जाएंगी ना, क्योंकि लड़की कभी भी नहीं क्या, हमेशा बेटर मांगती है, समझ रहे हो, वो डिजर्विंग मांगती है कि भाई वो हर हमेशा पता है एक बेटर के चॉइस में रहती, बेटर के तलाश में रहती कि नहीं इससे बेटर चाहिए, इससे बेटर चाहिए। अगर उसको तुमसे बेटर मिल गया ना, तुमको छोड़ के चले जाएंगे, तुमको पता भी नहीं लगेगा, हमको अच्छे से छोड़ के गई है हमको पता है। ठीक है ना, ये सिर्फ प्यार व्यार सब धोखा है, मैंने आजमा लिया, डेढ़ साल किसी लड़की के साथ रह के वो तीन महीने में तुमसे मूव ऑन करके किसी और की हो जाएंगी, तो ये सब धोखा है, इससे निकलो। बाकी आज का व्लॉग यही तक के था, थैंक यू इतना एंड तक के अगर तुम रहे हो जेन्युइनली, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमको जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स, 28 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे को तो इम्पॉसिबल लग रहा है, बाकी जो भी है देखा जाएगा। यप, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, जो जो मेरे को प्यार करते बहुत सारी चुम्मियाँ तुमको, मेरे को भी प्रोटीन लेना है, मैं बहुत देर से अटका हूँ, ओके बाय बाय।